डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बागवानी फसलों के लिए यदि करना है तो बीच में से आपको एक आध लेटर बंद करनी होगी, वो आप बंद कर सकते हैं। चलिए यार, थोड़ा ड्रिप पाइप लाइन बिछी है, एक मिनट जब देख लेते हैं। बिल्कुल, से लेकर गन्ने तक चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जैसे हमारी डिलीवरी है सपोर्ट, जी जी, तो डिलीवरी के बाद में जो है हमने ये फिल्टर लगाया हुआ है। फिल्टर से पहले हमने ये फर्टिलाइजेशन टैंक है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर जो कि घुलनशील है उसमें डालते हैं और इसमें डाल देते हैं, और ये जो है पूरे सिस्टम में जितना भी पौधे में लगा हुआ है पहुंच जाता है पाइप के द्वारा। हाँ, अपने आप जो है वो बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। ये जो बीच बीच में छेद से है इन्हीं से पानी देता है। जी बिल्कुल, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए थोड़ा सा बाहर चलते हैं। मेन लाइन आई हुई है और यहाँ से फिर ये सब मेन लाइन इधर गई हुई, और इस सब मेन लाइन से ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये हमने लेटरल निकाल रखी है। तो यहाँ से हमने जैसे उसमें ले जाना था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बीच बीच में जो है ना जगह जगह ये छेद है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये से रिश्ता है बिल्कुल, एक यहाँ पे बूंद बूंद टपक सिंचाई हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टपक सिंचाई प्रणाली। हाँ, और इसका निर्धारित है कि ये 4 या 8 लीटर ही पानी गिराएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जी, तो उससे काउंट कर सकते हैं कि कितना पानी हमको देना है खेत में, उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। मेरी ख्याल सबको ज्यादा जानकारी मिल गई, सही मिल गई बिल्कुल। ये लाइन बिछी हुई है वहाँ तक जाने में दिक्कत तो नहीं, गन्ने तक पहुँच। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि बारिश हुई है तो इसलिए थोड़ा देखे गन्ने तक दो कदम दूरी रहेंगे, कुछ पानी भरा हुआ इस समय, अगर हो सके तो पहुँचे नहीं तो। ये इसको आप मान लीजिए जैसे लेटर बिछी हुई है, जी जी, ऐसे ही गन्ने में भी बिछेगी। हाँ, तो गन्ने में भी जो है ना वो करीब 3 से 3.5 3 साढ़े 3 फीट के जगह को गीला करेंगे। वहाँ तक पहुँचा वो है गन्ना आपका खड़ा लगा हुआ है जो पा रहे होंगे। जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा है और लोगों को फायदा होगा। नहीं, ये आप देख पा रहे हैं तकरीबन ये 3 फीट का एरिया है और इतनी जगह को ये गीला करने की क्षमता जो है वो रखती है। तो इसमें गन्ना मान लीजिए 2 लाइन है तो दोनों लाइन को गन्ने की जो है वो पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा पर्याप्त जो है ना, इतना उसकी जरूरत है। ये आपका गन्ना है? हाँ, ये गन्ना है। तो वैरायटी मुझे ऐसी लग रही कोई, ये इधर आ जाइए इस तरफ। गन्ना प्रजाति अब किस अक्टूबर से जो आप लगाएंगे हमसे लीजिएगा 200 वर्ष। ये गन्ना जो है आपको दिख रहा है। तो अब किस आप ये जो प्लाट बगल में है जी, मैं 238 प्रजाति आपको दिलवाऊंगा, इसमें गन्ने का लगवाइए। हाँ नहीं बिल्कुल, वो खेत तैयार है, आपने जैसे बोला धान के बाद गन्ना अच्छा हो जाएगा आपका। जी चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ये है इसमें, ठीक है, अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे प्रेरित होकर के मेरे मुझे लगता है काफ़ी किसान तैयार हो जाएंगे ट्रिप के लिए। अभी बिल्कुल, जिस तरह से पानी जो है वो लगातार ज़मीन में नीचे जा रहा है और पानी की मात्रा कम होती जा रही है, उसमें सभी से मेरा भी अनुरोध है कि आप सभी को जो है पानी बचाने की इस मुहिम में जो है मोदी जी के कार्यक्रम भी जल संरक्षण प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको भी जो है पूरा करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।